सेकंड लेक्चर है ना ये आज? यस सर, सेकंड लेक्चर है हमारा सर। लास्ट क्लास वाला समझ आ गया था सबको? यस सर। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम। हाँ बोलो, दोबारा बोलो सर। सेकंड एक्सरसाइज तक करना था ना? नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज तक करना था, सेकंड एक्सरसाइज आप। चलो कोई बात नहीं, अगर सेकंड एक्सरसाइज ट्राई कर लिए तो बहुत अच्छी बात। चलो अब एक बार क्वेश्चन देखेंगे कैसे करने हैं। उज्ज्वल गुप्ता तुम बोलो। यस सर। उज्ज्वल बताओ सेंटर और रेडियस क्या आएगा? सर 2, -3 हो जाएगा सेंटर। 2, -3 निकाला कैसे? जल्दी बताओ कैसे कैसे किया, जल्दी बोलो। सर ये हो जाएगा 2gx और 2py की फॉर्म में होता है, तो फिर हम सेंटर को माइनस पी और माइनस एच लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उसका नेगेटिव हाफ कर देते हैं, नेगेटिव हाफ कर देते हैं, और वाई का कोफिशिएंट क्या है? 6। नेगेटिव हाफ करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर - 2, दैट इज √11, सही है अर्णव? यस सर। एक बार ये समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। ध्रुव कल की क्लास अटेंड की थी? यस सर। तो फिर आज क्यों नहीं समझ आया? कल की क्लास का रिपीट नहीं, होमवर्क नहीं किया? नहीं सर, वो थोड़ा थक गया था। मुझे होमवर्क करना है ना, ऐसे मत कर। अच्छा चल ध्रुव, तुम x² + y² - 6x - 12y + 4 = 0, ठीक है ध्रुव? सेंटर ये आ गया, रेडियस क्या आ गया? 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर - 4, ठीक है सर। 40। कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर। बच्चे होमवर्क किया करो, ऐसे अगर होमवर्क नहीं करोगे तो फिर समय बैठने का क्या फायदा इस क्लास में, सही है? ओके सर, ओके। चलो अब नेक्स्ट आप देखते हैं हम। बोलेगा अर्णव, बोलेगा? यस सर। अर्णव क्वेश्चन आता है, जैसे एक सर्कल है 5, 7, 8, 1 और 1, 3 से पास कर रहा है। एक सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, वो तीनों पॉइंट क्या है? 5, 7, 8, 1 और 1, 3। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नहीं सर। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² + 2x + 2fy + c = 0। अब इसके अंदर 5, 7 क्या करेगा? सर सैटिस्फाई करेगा। 5 का स्क्वायर कितना? 25 + 49 + 5 + 10g + 14y + c = 0 10g + 14f + c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -74 आ गई, ये पहली इक्वेशन। अब 81 भी इसमें क्या करेगा? सर सैटिस्फाई, तो 64 + 1 + 16x + 2f + c = 16g + 2f + c = -65। कोई डाउट? नो सर। अब 1, 3 भी इसमें क्या करेगा? सर सैटिस्फाई करेगा। सर तो 1 + 9 + 2g + 6f + c = 0। तो कितना आया? 2g + 6f + c = -10। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा फर्स्ट माइनस सेकंड करके आई इक्वेशन? सर -6g + 12f - 6g + 12f ठीक है is equals to 9 minus. चलो अब 2 - 3 बता क्या आया? सर 14g - 4f = 10। नहीं -55। चलो अब ये आ गया।
अब जल्दी से बता मुझे यहाँ पे कि अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जी और एफ की वैल्यू निकाल सर तो हम जी इसको सेकंड इसको, माइनस हाँ थर्ड से जो हमने माइनस किया है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 42g माइनस 12f इज इक्वल टू माइनस माइनस 55 इंटू 3 कितना 165, होता है, माइनस 165, माइनस माइनस 165 सर, 165 160, हाँ ठीक है 165। अब ये कितना आया, दोनों को ऐड कर दूं, यस सर। सर तो 36 माइनस 36G इज इक्वल्स टू माइनस 174। -174, कोई कटेगा ये 4 से कटेगा, सर 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 वो सिक्स से थर्टी कट सिक्स जाएगा। जी है, 36, जी है, यस सर। हाँ ठीक है। अब ये किसी से कट रहा है, सर सिक्स से कट सकता है सर। अच्छा काट देते हैं 6 6 36 6 2 द 12 6 9 द 54, तो जी इक्वल्स टू कितना हो गया -29 बाय। सिक्स अब एफ की वैल्यू कैसे निकालें, इसी में से डाल देते हैं, फोर्टीन सर किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। इंटू -29 बाय 6 -4f इज इक्वल टू -55, ठीक है। यस सर। तो वैल्यू बताओगे क्या आ रही है, सर माइनस फोर सिक्स जीरो सिक्स बाय सिक्स शायद। एफ की वैल्यू हाँ सर। नहीं सर एफ की माइनस वैल्यू क्या, नहीं, सर एफ की वैल्यू नहीं, मैं एफ की निकाल देता हूँ। माइनस फोर जीरो हाँ जल्दी निकालो निकालो एफ की वैल्यू, जल्दी से कोई भी बोल दो। कोई भी बोल दो बच्चे, वेदांत बोल रहे हैं, कितनी है ये वैल्यू, बच्चे कोई तो बोलो, सर मेरी -19/6 आई है। -19/6 आई है, चलो माइनस ओके नाइनटीन बाय सिक्स आई। अब सी की वैल्यू बताओ, इस इक्वेशन में डाल दो, टू यस सर। इंटू -58/6 और 6f की वैल्यू कितनी हो गई, 6 से 6 कट गया, -19 प्लस सी इक्वल्स टू -10, सी की वैल्यू कितनी आई जल्दी बताओ, सी यस सर। की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आई, बोलो सर मेरी आ रही है -112/6। -112/6, चलो जो भी आई है वैल्यू, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि सही निकाल दी, ठीक है। अब सर एक पॉजिटिव वेदांत आएगी, क्या है, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव वन आएगी, वन टू बाय सिक्स। हाँ जी चलो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी की वैल्यू कितनी है, -29/6, -29/3x और एफ की वैल्यू -19/3y और सी की वैल्यू 112/6, ये बात समझ आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई डाउट है, हाँ बोलो। सर इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका होता है? जैसे हमने इतने सारे इक्वेशन निकाली फिर इसको सॉल्व किया तो वो शॉर्ट मेथड होता है इसका? बच्चे हाँ होता है, एंट्रेंस में आएगा शॉर्ट तरीका आएगा, अभी इसी तरीके स्कूल के लिए ये तरीका ठीक, नहीं सर जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे जब आएगा तब देखेंगे, अभी उसको डिटरमिनेंट से करते हैं, वो बताऊंगा अभी रुक जाओ, मगर क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इसमें ना सर्कल्स इतना ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार सिलेबस खत्म हो जाने, ऑब्जेक्टिव के तरीके बता दूंगा, नहीं तो एंट्रेंस के वीडियोस में भेज दूंगा, उसमें दे रखा है सर्कल्स के पहले लेक्चर में हो गया, IIT एडवांस के पहले लेक्चर में होगा, ठीक है। ओके चलो अब ये बताओ मुझे कौन बोलेगा, उज्जवल तुम बोलोगे, यस सर। जल्दी बता दे बच्चे, आप जल्दी जल्दी सेटिस्फाई करा, मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन दिया, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास, सर सर पहला पॉइंट में आ जाएगा सी एक जीरो मिनट बच्चे बच्चे एक मिनट एक मिनट एक, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पॉइंट्स मैंने शायद गलत ले लिए, 3-2 दूसरा पॉइंट है 10,
माइनस वन माइनस टू और वन माइनस, अभी इसको नहीं ध्यान रखेंगे, ये सर्कल है तीन पॉइंट से पास कर रहा है ये पॉइंट से, बताओ जल्दी से क्वेश्चन। सर नाइन प्लस फोर प्लस सिक्स जी प्लस फोर जी प्लस माइनस फोर जी प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो ये आएगा शायद। तो सिक्स जी माइनस फोर एफ प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया माइनस थर्टीन, पहली इक्वेशन समझ आ गई। चलो दूसरी yes, sir. बोलो सर वन प्लस जीरो प्लस टू एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, टू जी प्लस सी टू जी प्लस सी माइनस वन माइनस टू डालो सर वन प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस फोर एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। वन माइनस टू कर दो और टू माइनस थ्री कर दो सर, फोर जी माइनस फोर एफ इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो g माइनस f इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। हाँ बोलो सर, अगर हम सीधा फर्स्ट थर्ड को सॉल्व कर देना तो g हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, तो पता है मुझे, पता है मैं हर एक मिनट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अर्णव, एक्चुअल में मैं इसलिए नहीं कर रहा, ज्यादातर तरीका यही रहेगा फर्स्ट माइनस सेकंड सेकंड माइनस थर्ड, इसलिए वैसे आपकी मर्जी है वैसे सॉल्व कर दो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड माइनस थर्ड बोलो क्या आया, 4g + 4f = 4, तो g प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आ गया सर वन, दोनों को ऐड कर दो, टू जी इज इक्वल टू माइनस टू जी इक्वल टू माइनस वन, सही है? यस सर। माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू वन, एफ इज इक्वल टू टू, कोई डाउट? नो सर। आप इस इक्वेशन में g की वैल्यू डाल दें, g की वैल्यू माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन, तो c इज इक्वल टू वन आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g माइनस 2x प्लस 4y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन समझ आ गई उज्जवल? यस सर। अब प्रूव करना है कि ये चार पॉइंट जो दे रखे थे, ये 4.1 माइनस 4 भी जो लिया मैंने, ये कौन साइक्लिक, ये क्या है कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? एक ही सर्कल पे लाइक करते हैं, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। अगर 1 माइनस 4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कौन साइक्लिक है? 1 प्लस 16 माइनस 2 माइनस 16 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं दीदी? यस सर। प्लस 16 ठीक है, चेक कर लो आ जाएगा ठीक है। ये इसका मतलब पॉइंट क्या है हमारे, पॉइंट क्या है हमारे कौन साइक्लिक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये चार पॉइंट क्या हो गए हमारे, कौन साइक्लिक हो गए ठीक है? यस सर। कौन साइक्लिक का मतलब समझ आ गया ना सबको? यस सर। चलो अब हम देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन, उसमें देखते हैं कैसे करना है। लेट सपोज हमारा क्वेश्चन आता है, बोलेगा कौन जल्दी, अमन बोलेगा? यस सर। अमन थोड़ी सी आवाज तेज आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर, आ रही है? नहीं बच्चे आवाज तेज नहीं है। चलो कोई और, आ रही है, अब आ रही है, सही है। अब क्वेश्चन आता है, अगर हमारा एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट्स और सेंटर उसका इस लाइन पे लाई करता, सेंटर उसका इस लाइन पे लाई करता, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो व्हाट इज, व्हाट विल बी अज्यूम्ड एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0,
सेंटर इस पे लाई करता है, ध्यान रखना सेंटर इस पे। सेंटर क्या होता है सर्कल का? यस सर। सर सेंटर, सेंटर क्या होता है सर्कल का? सर माइनस माइनस जी माइनस कॉम माइनस एफ, वो इसमें सेटिस्फाई करता है। का मतलब माइनस टू जी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आया? थ्री। यस सर। थ्री माइनस टू इसके अंदर क्या करेगा सर? सर सेटिस्फाई। नाइन, नाइन आ गया प्लस फोर आ गया प्लस सिक्स जी आ गया माइनस फोर एफ आ गया प्लस सी इक्वल टू जीरो। सिक्स जी माइनस फोर एफ प्लस सी इज इक्वल टू माइनस थर्टीन। कोई डाउट? नो सर। माइनस टू जीरो भी इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई सर। फोर प्लस माइनस फोर एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। प्लस सी इक्वल टू जीरो तो माइनस फोर जी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस। ये भी बात समझ आ गई? सही है। यस सर। अब सेकंड माइनस थर्ड कर दूं सर? सिक्स जी इक्वल टू माइनस नाइन। गलत नहीं बोल रहे? सेकंड माइनस थर्ड क्या करेंगे? टेन जी आएगा ना? यस सर। सॉरी सर। यस सर। माइनस नाइन है। सही है। माइनस नाइन। यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन से एफ की वैल्यू बताओगे कितनी आ रही है? सर एफ आ जाएगा। बोलो। टेन जी माइनस ट्वेल्व माइनस फोर टू द एट जी इक्वल टू माइनस टू जी इज इक्वल टू कितना आया? थ्री। इक्वल टू थ्री बाय टू। कोई डाउट? नो सर। तो ये जी की वैल्यू आ गई। अब एफ की वैल्यू इससे निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। जी की वैल्यू माइनस थ्री हो गया प्लस एफ इज इक्वल टू एफ इक्वल टू सिक्स हो गया। F equal to 6, अब सी की वैल्यू, सी की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं जी की वैल्यू। तो माइनस सिक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस फोर, सी इक्वल टू टू। इक्वल टू टू। नो सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी ए थ्री एक्स प्लस टू ये ट्वेल्व वाई प्लस टू इक्वल टू जी। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का समझ आ गया ये वाला? सर आ गया। चलो आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत। यस सर। वेदांत क्वेश्चन ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 25 नहीं प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इस सर्कल के कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालनी। इस सर्कल के क्या निकालनी है सर? कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है जिसका एरिया 154 दे रखा है। जिसका एरिया कितना दे रखा है सर? 154। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं सर? जिन दो सर्कल्स का सेंटर सेम होता है। तो इसका सेंटर क्या है सर? 4.6। इसका सेंटर क्या है? 4.6। 2.3 नहीं होगा बच्चे? 2.3। ठीक है। और पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है सर? 154 तो उधर से आर 7 आ जाएगा। तो 20 बाय 22 बाय 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 22 ओ कितना आएगा? 6 का की 7 7 आएगा आर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इक्वेशन हो गई x माइनस टू का होल स्क्वायर y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है। कनिष्क। यस सर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस सर्कल के कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास है। जो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन। चलो बताओगे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? उस सेंटर क्या है इसका? सर इसका सेंटर 3.6। और ये सेंटर आ गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मान लिया? x माइनस थ्री का होल स्क्वायर y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। रेडियस कितना आएगा? 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कर लोगे?
डाउट तो नहीं है कंसेंट्रिक वाले में? नो सर, नो सर। ये चीज समझ आ गई है? यस सर, यस सर। चलो अब ये बताओ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। जैसे आपने यही कंसेंट्रिक वाला क्वेश्चन कराया, तो सर अगर हमको दूसरी क्वेश्चन मतलब दूसरे जैसे हमारी ये जनरल फॉर्म में x2 + y2 - 2gx + 2gx वाली फॉर्म में लिखने को बोला है, तो हम उसमें लिखना प्रेफरेबल होगा या दूसरी वाली में? कैसे भी लिख दो बच्चे, उसमें अगर वो इक्वेशन होगी जैसे x2, एक और क्वेश्चन कर लो, x2 + y2 एक और -4x -6y +3=0 है, लेट सपोज ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक टू द सर्कल दिस Which touches y axis? Touches y axis. कोई डाउट है? No sir. अब अगर सर्कल की इक्वेशन में जो मानोगे डिफरेंस, तो ये लिखोगे x square plus y square minus 4x minus 6y plus lambda equal to 0. खाली डिफरेंस जो आएगा वो खाली कांस्टेंट का आएगा अगर आप सोचोगे तो, क्योंकि सेंटर सेम है, ठीक है। अब y axis को टच करता है तो उसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो अब मैं दूसरे तरीके से करूँ तो जो भी सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो इसका सर्कल का सेंटर क्या होता है? एच के, एच कॉमा के, और रेडियस भी क्या होता है? रेडियस क्या होता है? एच, रेडियस क्या होता है? एच, सही है? यस सर, सही है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटर है आपका 2,3, तो रेडियस जो हो गया वो 2 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अगर उसमें भी करते हो तो इससे भी पता लग रहा है आपको, तो रेडियस कितना है? रेडियस 2 है, 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर का? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस लैम्डा, इससे निकाल लो, मर्जी है बच्चे वो आपकी। सर दोनों इक्वेशन बराबर ही हो, मतलब अभी ऑब्जर्व, हां दोनों इक्वेशन तो सेम ही आएगी, इक्वेशन तो सेम ही आएगी, इक्वेशन में इसको भी खोल, इसको खोलेंगे तो वही जनरल में ही आ जाएगी, ठीक है। अब बोलेगा हर्षित। यस सर। हर्षित ये बता, एक सर्कल है जो 1,0 से पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है, और उसका रेडियस जो है एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा सर्कल की इक्वेशन मानेंगे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3, अच्छा हाँ, ठीक है। अब 10 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा प्लस 2, ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, 0,1 सेटिस्फाई करेगा? -1 यानी c की वैल्यू ऊपर से निकाली तो क्या आई? -1 माइनस, नहीं जी की वैल्यू, जी की वैल्यू -1 माइनस सी बाय 2, एफ की वैल्यू भी कितनी आ गई? -1 माइनस सी बाय 2, ये बात समझ आ रही है? यस सर, ठीक है। रेडियस किसके बराबर होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सही है? यस यस। तो ये हो गया सी प्लस 1/2 का नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पहले पॉजिटिव लिखा, सी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस सी, कोई डाउट? नो सर, आ जाएगा ये 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c इंटू 2 माइनस सी, सही है? यस सर, ये होता ना, मैंने शायद लगता मेरे को एक मिनट, मैंने यहाँ पे 4c लिखना होगा ना? यस सर, 4c आया वो, हाँ। तो ये कितना आया? अब 2 भी बाहर ले जाओ, रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक मिनट थोड़ा चेंज कर, यहाँ पे मैंने जो लिया ना एलसीएम वो उसको हटा, पहले मेरा आया सी प्लस 1 बाय का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 माइनस सी, कोई डाउट? नो सर, ये आ गया 2 अंदर है, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c माइनस 2c माइनस, तो ये आ गया सी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, ये आ गई रेडियस की वैल्यू, कोई डाउट है रेडियस की वैल्यू में? नो सर। अच्छा 1 प्लस सी स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू कब होगी? जब सी की वैल्यू क्या होगी?
माइनस जीरो जीरो होगी ना, तभी कंप्यूटिंग स्क्वायर से बताया था। यस सर। तो सी की वैल्यू जीरो, सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई आपकी, तो जी की वैल्यू आपकी आ गई माइनस वन बाय टू, एफ की वैल्यू भी यही आई, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। बात समझ आई? यस सर आ गया। बच्चे आपका होमवर्क नोट कर लो, सारे होमवर्क नोट कर लेंगे, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो पूरी करनी है। सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं पूरी? यस सर। आज टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास टेस्ट होगा, थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। एक दो बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ढंग से प्रिपेयर करके उसके बाद देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे। कल भी क्लास आज स्ट्रेट लाइन का टेस्ट बोल रहा था ना आज। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।